फैसला। हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और NCR जो नेशनल कैपिटोरियल रीजन है, NCR क्षेत्र में ग्राफ 4 के लागू होने पर निर्माण कार्यों पर रोक लगी है। मजदूरों के लिए हरियाणा सरकार ने उठाया है एक बड़ा कदम। चूंकि निर्माण कार्य पर रोक है, इसका मतलब सीधे तौर पर यह है कि मजदूरों के लिए जो रोजगार का जरिया है वो बंद हो गया, इसलिए मजदूरों के लिए हरियाणा सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हरियाणा सरकार निर्माण कार्य करने वाले मजदूरों को न्यूनतम वेतन देगी। और फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता अंकित तुदानी। अंकित, ये फैसला कितना बड़ा है और इसे कितना अभी पोस्ट माना जाए इस खबर को? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि ग्रैफ 4 जो लागू हुआ NCR के अंदर, स्मोक फैली और स्मोक फैलने के कारण जो ग्रैफ 4 लागू किया गया तो उसके दौरान निर्माणाधीन जो काम थे उसके ऊपर पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी कि कहीं भी निर्माण कार्य नहीं हो सकेंगे। और इस कारण से जो मजदूर वर्ग था उसको एक बड़ा झटका लगा, क्योंकि उनकी जो रोजी रोटी थी वो मजदूरी के काम से ही चलती थी। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी ये निर्देश आए और अब हरियाणा सरकार इसको लागू करने जा रही है। और जो 65 करोड़ रुपए तो पंजीकृत मजदूर है, हरियाणा सरकार के पास पंजीकृत है, तो उनको NCR क्षेत्र के जो पंजीकृत है लगभग 2 लाख इनकी संख्या है, तो उनको 65 करोड़ रुपए उनके खातों में डाले जाएंगे। जो न्यूनतम मजदूरी है वो उनको दी जाएगी। तो एक बड़ा फैसला है और मजदूरों के हित के अंदर ये फैसला लिया गया है और कहीं ना कहीं सरकार ने भी बड़ा कदम उठाया है। और सरकार, सुप्रीम कोर्ट की ओर से बात करें तो उनकी ओर से भी सख्ती दिखाई गई है। जी अंकित, मेरा सवाल दूसरा यही था कि अभी हम ये कह पा रहे हैं कि सूत्रों के हवाले से खबर है, तो क्या इस खबर को पुष्ट माना जाए? बिल्कुल, इसमें पुष्ट खबर है और इसका जल्द ही नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और तुरंत ये जो राशि है ये मजदूरों के खातों में चली जाएगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अंकित दुदा ने बताया कि ये खबर जो है अब इसे पुष्ट ही माना जाए और ये अपने आप में एक बड़ी खबर है, चूंकि ऐसे तमाम मजदूर जिनका ग्राफ 4 के चलते अगर निर्माण कार्य रुक जाता है तो इनकी मजदूरी रुक जाती है, इनके रोजगार पर एक झटका लगता है, तो ऐसे मजदूरों को, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि वो हरियाणा सरकार में पंजीकृत होने चाहिए। जो भी मजदूर रजिस्टर्ड होंगे, पंजीकृत होंगे हरियाणा सरकार में, उनके लिए सरकार एक बड़ा फैसला सरकार ने लिया है। और इस फैसले के मुताबिक NCR क्षेत्र में ग्राफ 4 के लागू होने पर निर्माण कार्यों पर जो रोक लगी है उससे मजदूरों के लिए हरियाणा सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए उन्हें न्यूनतम वेतन देने का एक फैसला किया है। और इससे वही मजदूर जो है वो फायदा उठा पाएंगे, उन्हीं को इसका फायदा मिलेगा जो हरियाणा सरकार में पंजीकृत हैं, रजिस्टर्ड हैं।